राजीव जी, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि पुरस्कार देने से कोई हवा पलट गई आवाज आ रही है हो। एक जी, नहीं बस और एक पैरेलल आवाज आ रही है, जरा मैं अपने प्रोडक्शन टीम को बोल रहा हूं कि एक पैरेलल इंग्लिश में कोई आवाज आ रही है, चेक करें जी। प्रशांत जी जी, प्लीज। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड दिखता नहीं है राजीव जी कि किसी को पुरस्कार दिए गए हो, पुरस्कार के बाद जो है वो चुनावी जीत और हार में कन्वर्ट हो गया हो, ऐसा कोई दिखता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो अपने विचारधारा के हिसाब से जो पुरस्कारों का चयन करती है, इसमें कोई, ये तो पिछला भी हमने देखा है। और कभी कभी बहुत न्यूट्रल लोगों को मिलता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने दे दिया, उसकी आलोचना भी होती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, तमाम सारे गैर राजनीतिक व्यक्तियों को मिला पीछे भी, जो संगीतकार थे या साहित्य में बड़ा नाम करने वाले लोग थे उनको मिला। अब जी लगातार आप पॉलिटिशियंस को दे रहे हैं और उसको भी भारत रत्न जैसा जो हाईएस्ट अवार्ड है, सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है, उसको अगर आप राजनीतिक सौदेबाजी का बना रहे हैं जरिया, कि जहां ईडी काम नहीं कर पा रहा है वहां आप पुरस्कार दे दो, जी तो उसकी गरिमा कम होती है, पुरस्कार लेने वाले की भी गरिमा कम होती है, जिनका जिनके नाम पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनकी भी गरिमा कम होती है। सामान्य स्थिति में अगर दिया होता तो आज हम चौधरी चरण सिंह के तमाम सारे उपलब्धियों को, उनके जीवन के तमाम आयामों को हम डिस्कस कर रहे होते। जी दूसरी बात राजीव जी, मुझे याद आता है कि कैसे पुरस्कारों का जो है वो गरिमा कम होती है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में यश भारती नाम का एक पुरस्कार शुरू किया, जो उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट अवार्ड था। जी तो वो पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला, जया बच्चन को मिला और अभिषेक बच्चन को भी मिला बाद में, जी और फिर लगभग 200 लोगों को मिला। तो अब उसका मजाक उड़ गया, तो बड़ा कहने में तकलीफ होती राजीव जी कि सर्वोच्च जो सम्मान है उसको अगर उस पर कार्टून बनने लग जाए, उस पर मीम्स बनने लग जाए, उस पर व्यंग्यकार टिप्पणियां करने लग जाए, तो ये सर्वोच्च, ये भारत की अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ है, जो जिसकी जिसका दोष मैं मोदी जी को दूंगा, मैं उनको बिल्कुल नहीं दूंगा जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा हुआ है। और आप देखिए कि जिस तरीके से आप डिमांड आ रही है कांशीराम जी की के लिए, डिमांड आ रही है सावरकर के लिए, डिमांड आ रही है बाल ठाकरे के लिए, अभी दक्षिण भारत से भी डिमांड आने लगेगी, तो ये एक राजनीतिक दांवपेच का जरिया बना देना उसको उचित नहीं है। दूसरी बात जो भी है, तो राजनीतिक चर्चा भी इसमें जरूरी है। और अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ राजीव जी, मैं कई बार यहाँ पे कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव को दो बड़े मुद्दों को लेकर चले थे। याद होगा कि G20 के वक्त भी जो बीजेपी समर्थित टिप्पणीकार हैं या कॉलम में लिखने वाले हैं वो कह रहे थे कि G20 चुनाव को पलट देगा, विश्व गुरु की इमेज। तब भी मैंने कहा था कि देखिए वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, जनता के बीच संदेश नहीं जा पाएगा। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर पे पूरा दांव लगा दिया। राम मंदिर आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा के दोनों भाषणों में राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, तो अब राम मंदिर से भी उनको वो अपेक्षा नहीं है कि वो चुनाव में एक पुलवामा या बालाकोट जैसी कोई एक लहर पैदा कर देगा। तो तमाम तरीके के प्रयोग हो रहे हैं, भारत रत्न भी उन्हीं प्रयोग में से एक है। और अभी आने वाले 10-15 दिन में आप देखिएगा बहुत सारे प्रयोग होंगे, जी और सबसे बड़ा जो प्रयोग करने जा रहे थे वहां गड़बड़ हो गया, झारखंड, वो बिल्कुल बैकफायर कर गया। और अगर बिहार में भी वैसा ही कुछ हो गया तो
तो आप देखिए कि पता नहीं कितना क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से पुरस्कार देने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, वो तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय अब आए सॉरी चुनाव देखिए राजीव जी, दो मुद्दों पर चुनाव होना है। एक पोलराइजेशन जो बीजेपी का मुद्दा है, कोई और मुद्दा उसमें है ही नहीं, ना कोई पुरस्कार है ना कुछ और है, ना ये वाइट पेपर है ना कुछ है। बीजेपी अपना चुनाव केवल और केवल पोलराइजेशन धार्मिक ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़ेगी। जब चुनाव वाकई जब रैलियां शुरू होंगी चुनाव की, तो आप देखिएगा कि मोदी साहब के भाषणों में आपको फिर कब्रिस्तान, शमशान, कपड़ों से पहचान लो वगैरह दिखाई सुनाई देगा। कोई और रास्ता नहीं है। एक ही बार बीजेपी ने प्रयोग किया इंडिया शाइनिंग का, वो उनको उनके लिए बहुत दुखदाई है। वो अब उसके बरक्स दूसरा जो मुद्दा है वो क्या है, सामाजिक न्याय, जातिवार जनगणना, नौकरियां यानी बेरोजगारी, प्राइस राइज, महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं। प्लस इसमें एक और ऐड होता है, एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी ऐड होती है, वो है मुस्लिम वोटर। तो सामाजिक न्याय और महंगाई और बेरोजगारी प्लस मुस्लिम वोटर, ये अपने आप में एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी है जो कि धीमे धीमे राहुल गांधी के इर्द गिर्द जमा हो रही है। यही चिंता ममता बनर्जी को है, यही चिंता बाकी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को है। मैं पंकज जी की बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि जो इंडिकेशन मिल रहे हैं राजीव जी, वो इंडिकेशन ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और राहुल गांधी जो घूम रहे हैं देश भर में और एक खास तरीके का नैरेटिव पैदा कर रहे हैं सामाजिक न्याय का, वो कांग्रेस के नई जमीन पैदा कर रहा है और वो चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। नई जगह पे कांग्रेस आपको उभरती हुई दिखाई देगी, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, मुझे बहुत उम्मीद है कि उड़ीसा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से बात करो तो कांग्रेस को दो सीट की बात करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बंगाल में अपेक्षा के ज़्यादा बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। आप देखिए हाल फिलहाल में जो हुआ, हल्दिया पोर्ट ट्रस्ट के चुनाव में हुआ, या जो एक उपचुनाव हुआ था वहाँ पे सागर डिगा में, तो सागर डिगी चुनाव में भी एक इंडिकेशन आया कि जो परंपरागत सीट थी तृणमूल कांग्रेस की, वो रिकॉर्ड मार्जिन से कांग्रेस और वामपंथी मोर्चा ने जीती है। तो ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी समर्थन मिलेगी। तो अब देखिए जयंत चौधरी, जैसे पंकज जी कह रहे, जयंत चौधरी के पास से बड़ी संख्या में किसान निकल जाएगा, क्योंकि किसान और बीजेपी की दोस्ती नहीं हो सकती। अब बहुत पानी बह चुका है और वो MSP का मोदी जी के ऊपर कॉर्पोरेट दबाव भी रहता है, MSP का या स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, तो किसान का समर्थन जयंत चौधरी को उतना नहीं मिलेगा जितना उनको मिलता अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ होते। मुस्लिम उनके साथ पूरा निकल जाएगा। इसी तरीके से नीतीश कुमार को आप देखिए, नीतीश कुमार ने जब ये पलटी मारी है तो नीतीश कुमार को भी जो उनकी बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी मिलती उसमें बड़ी कमी आने वाली है, दो वजह से, एक तो उनकी पलटी मार की वजह से भी, और दूसरा अब नीतीश कुमार जो खुद उन्होंने किया सामाजिक न्याय की बात या जातिवार सर्वे, उसका वो जा भी नहीं कह पाएंगे, बीजेपी कहने नहीं देगी उनको। तो जो अपना काम किया है उसका भी वो तमगा अपने ऊपर नहीं ले पाएंगे, उसका सारा क्रेडिट मिलेगा RJD को या कांग्रेस को और वामपंथी पार्टियों को।
तो चुनाव राजीव जी दो मुद्दों पर होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ध्रुवीकरण या बीजेपी का। मुझे लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे ने या बीजेपी के तमाम और मुद्दे जो कि ध्रुवीकरण के जगह जगह पर दंगे फसाद भी शुरू हो गए हैं, वो और बुलडोजर की राजनीति से वो कोई 37% से 45% नहीं होने जा रहा है। और अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स जो है वो बड़ा है, तो इसलिए चुनाव में अभी भी मैं कहूंगा कि बीजेपी के लिए बहुत चुनौतियां हैं और वो बहुत सारे प्रयोग उनको करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बीजेपी। राजीव, राम मंदिर पे चुनाव बीजेपी नहीं लड़ पा रही है, इसीलिए तो बीजेपी यहाँ अलग अलग मुद्दों को खड़ा करने की